चूँकि मैं पहले आपको बता दूं कि ग्राम्सी जो है इटली के रहने वाला विचारक था, और जो है ये इटली की दीनहीन व्यवस्था, अच्छी व्यवस्था दोनों से परिचित रहा, और ये एक साम्यवादी विचारक रहा और पूंजीवाद राज्यों में साम्यवादी क्रांति पर विशेष बल दिया। इस पर इन्होंने सबसे ज़्यादा दर्शन दिया और इन्होंने पूंजीवादी व्यवस्था द्वारा नागरिक समाज पर आधिपत्य को जो स्वीकार किया है उसकी बात की। अक्टूबर 1917 के रूसी क्रांति से ये बड़ा प्रभावित था और जो है साम्यवादी विचार पूरे विश्व में क्रांति के लिए प्रयत्नशील था, तो कहीं ना कहीं ये रूसी क्रांति को इस संदेश के रूप में देखता था कि साम्यवादी जो है क्रांतियाँ इस रूसी क्रांति से प्रारंभ हो जाएंगी और आगे भी देशों में क्रांति होगी जिससे साम्यवाद स्थापित होगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और वो फांसीवाद आ गया और फांसीवाद व्यवस्था स्थापित होगी। तो ग्राम्सी ने कहा कि फांसीवाद व्यवस्था पूंजीवाद का ही संकटकालीन रूप है, क्योंकि पूंजीवाद जब सहमत और लोकतंत्र द्वारा शासन चलाने में असफल होता है तो राज्य को बनाए रखने के लिए क्रूर शक्ति का प्रयोग करता है, और वही फांसीवाद स्थापित हुआ। उसके बाद मार्क्स के इस पूंजीवादी विकसित रूप में उदारवादी लोकतांत्रिक भी कहा और संकुचित काल में फांसीवादी बन जाती है, ऐसा रहा। मार्क्स के पश्चात लेनिन ने पूंजीवादी देशों में पूंजीवाद को बने रखने के लिए जो मूल कारण बताया था वो साम्राज्यवाद बताया था। लेनिन ने जो माना था कि साम्राज्यवाद की समाप्ति के पश्चात पश्चिमी यूरोप के देशों में साम्यवादी क्रांति होगी, जबकि ग्राम्सी ने रूसी क्रांति के बाद क्रांति के दर्शन देखने लगा। लेकिन जब अफ्रीका के देशों में शोषण के लिए नहीं रहे, बुर्जुआ लोगों अपने ही देश में सर्वहारा वर्ग का शोषण करने लगे और परिणामस्वरूप जब क्रांतियां अपरिहार्य होने लगीं तो लोगों का कहीं ना कहीं ये मानना था कि जो है क्रांति आगे नहीं होगी और जो भी होगी वो बड़े स्तर पर नहीं छोटे छोटे स्तरों पर होगी। फिर आगे जब चलते हैं तो मार्क्स की जो मूल मान्यता थी आर्थिक रूप से प्रभुत्वशाली वर्ग के द्वारा राज्य पर नियंत्रण आधिपत्य स्थापित किया जाता है और पूंजीवाद राज्य पूंजीवादी के हाथ का जो शोषण यंत्र है या बद्धकारी शक्तियां जो रहीं पूंजीवाद राज्य पर अपना नियंत्रण कायम रखने के लिए, तो ग्राम्सी ने मार्क्स की उपरोक्त मान्यताओं में परिवर्तन कर दिया और इन्होंने मार्क्स के वादी विचारकों में पहले ऐसे विचारक हैं जिन्होंने मार्क्सवादी विचारों की अत्यंत मौलिक व्याख्या की है। क्या की है? मौलिक व्याख्या की है। आपको ये वर्ड याद रखना है कि बहुत ही मौलिक व्याख्या की है इन्होंने, और आगे चल के इस व्याख्या में जो है इन्होंने कहा कि राज्य की उत्पत्ति के तीन प्रकार के सामाजिक शक्तियों के मध्य संघर्ष का परिणाम है। राज्य को जो माना वो माना कि राज्य जो है तीन प्रकार की सामाजिक जो शक्तियाँ उनमें संघर्ष हुआ और उसी संघर्ष का परिणाम है। उसमें पहला माना कि जो है वह सामाजिक शक्तियाँ जो नेतृत्व प्रदान कर रही हैं, दूसरा वह सामाजिक शक्तियाँ जिसके विरुद्ध संघर्ष किया जा रहा है, और तीसरा वह सामाजिक शक्ति जो अन्य सहायक शक्तियाँ सामाजिक शक्तियों के वैचारिक व सांस्कृतिक नियंत्रण होती हैं। इस तरह इन्होंने तीन कारण जो है गिनाए और इनके अनुसार साम्यवादी क्रांति के लिए सहायक शक्तियों का समर्थन आवश्यक है और यही समर्थन नागरिक समाज पर अधिपत्य बौद्धिक व नैतिक नेतृत्व द्वारा स्थापित होगा जिससे शैक्षिक धार्मिक या अन्य सामाजिक संगठनों के अधिपत्य स्थापित किया जाएगा तथा अत्यधिक शक्ति को सबसे महत्वपूर्ण अवयव होगा, किंतु यह मूलतः वैचारिक शक्ति है, बौद्धिक या बाध्यकारी शक्ति नहीं होगी। और ग्राम्सी के अनुसार पूंजीवाद राज्य के द्वारा समूचे समाज का प्रतिनिधित्व नहीं किया जाता है। उन्होंने नागरिक समाज के अधिपत्य स्थापित करने के लिए संगठित बुद्धिजीवी या साम्यवादी दल की भूमिका को अत्यंत महत्वपूर्ण माना। उनके द्वारा आम जनता में वर्ग चेतना और क्रांतिकारी चेतना का विकास किया जाएगा, ऐसा मानना था। ग्राम्सी ने राज्य की विश्लेषण क्रांति की संकल्पना में आत्मनिष्ठ वैचारिक तत्वों में अत्यधिक महत्वपूर्ण माना है और व्यक्ति की भूमिका निष्क्रिय नहीं माना है, सक्रिय माना है कि व्यक्ति की भूमिका जो है बड़ी ही सक्रिय होगी और उच्च स्तरीय तकनीकी क्षमता प्रधान लोग ऐसे व्यक्ति होंगे जो समाज को निर्देशित करेंगे, अर्थात जो है लोकतंत्र मूर्खों के शासन वाला हिसाब किताब रहेगा नहीं फ्रेंड, जैसा कि इसका मानना है। अब आगे जब हम बात करते हैं तो ग्राम्सी का जो एक तरह का वो था कि ये कह सकते हैं कि ग्राम्सी ने
परंपरागत बुद्धिजीवियों को निम्नलिखित दो रूपों में दिया जो परंपरागत बुद्धिजीवी थे, और उन्होंने पहला रूप जो दिया सृजनात्मक कलाकार और विद्वान का दिया, और जो दूसरा दिया वो धार्मिक बुद्धिजीवी धर्म गुरु कलाकार मतलब सेलिब्रिटीज़ का दिया, जो प्रभुत्व समझ जो है सामाजिक वर्ग में स्वायत्त को स्वायत्तता मानने पे या स्वयं को स्वायत्तता स्थापित करने में प्रबल समर्थक होते हैं उनकी बात करी है। और ग्राम्सी के अनुसार परंपरागत बुद्धिजीवी शासक वर्ग के दृष्टिकोण से पूर्णतः सहमत हूँ, ऐसा आवश्यक नहीं। जो ये दोनों वर्ग है वो एक दूसरे से माने, जो मैंने दोनों वर्ग बताया है सृजनात्मक कलाकार या विद्वान और दूसरे बुद्धिजीवी या धर्मगुरु, ये दोनों आपस में एक दूसरे की मत से सहमत हो ऐसा नहीं है। सहमत हो भी सकते हैं और नहीं हो सकते हैं, परंतु सामान्यतः शासक वर्ग के दृष्टिकोण के साथ होता क्या है कि ये जो सेलिब्रिटीज़ होते हैं वो शासक वर्ग के दृष्टिकोण के साथ समझौता कर लेते हैं। तो इसी पे ग्राम्सी ने कहा कि परंपरागत बुद्धिजीवी शासक वर्ग के दृष्टिकोण से पूर्णतः सहमत हों ये आवश्यक नहीं है, लेकिन जो है परंपरागत बुद्धि चेतना या चेतन रूप में ऐसे विचारों को का प्रचार करते हैं जो मूलतः रूढ़िवादी होते हैं या जिनमें समझौता कर लेते हैं। अब आगे ग्राम्सी ने महान बुद्धिजीवों के मस्तिष्क में महत्वपूर्ण विचार उत्पन्न होते हैं कि वे विचार दूसरे स्तर के बुद्धिजीवों को स्थानांतरित किए जाते हैं। ग्राम्सी जैसे समाज की जो रचना है वो बड़ी टिफिकल बताया, उसका हिसाब से ये था कि जो बड़े बुद्धिजीवी हैं उनके मन में कोई न कोई विचार आता है, और जब वह विचार आता है तो दूसरों के मन में ट्रांसफ़र किया जाता है, दूसरों के मन में, अर्थात शिक्षक और शिष्य की बात यहाँ कर रहा है कि जो बुद्धिजीवी वर्ग हैं अध्यापक पत्रकार पॉलिटिकल वर्कर, इनके मन में जो विचार है वो दूसरे छोटे छोटे कार्यकर्ताओं में ट्रांसफ़र होता है। तो उस तरह बुद्धिजीवी वर्ग अपनी कहीं ना कहीं विद्वता का प्रचार करके और राज्य में एक संगठन संगठित करने का प्रयास करते हैं। आगे ग्राम्सी ने जो है राज्य के सापेक्ष स्वायत्तता का सिद्धांत दिया, और इसमें ग्राम्सी ने आधार संरचना के संबंधों की व्याख्या नवीन रूप में प्रस्तुत की, और जैसा कि जोसेफ फेमिया के अनुसार कहा कि आधार व संरचना के मध्य का जो गैर मार्क्सवादी विचार है वो निम्नलिखित है। इसमें दो विचार उन्होंने दिया, पहला विचार दिया कि चेतना के द्वारा आधार का निर्धारण होता है, और दूसरा दिया कि चेतना व आधार दोनों समान रूप से अंतःक्रिया करते हैं। और फेमियन के अनुसार आधार व संरचना के संदर्भ में मार्क्सवादी व्याख्या जो रही वो दूसरे ढंग की रही, वो ये रही, ये मतलब पहली व्याख्या जो मैंने बताई है कि चेतना के द्वारा आधार का नियंत्रण होता है, और दूसरी चेतना और आधार परस्पर क्रिया करते हैं, ये ग्राम्सी की रही, जोसेफ फेमिया कहते हैं। और जोसेफ फेमिया कहते हैं मार्क्स क्या व्याख्या दिया कि आधार चेतना के रूप का निर्धारण करता है, और आधार यह निर्धारित करता है कि चेतना का स्वरूप कैसा होगा। ये दोनों जो चीज़ें आई वो दो चीज़ निकल गई, पहली कि मार्क्स क्या माना कि आधार चेतना के रूप का निर्धारण करेगा, और ग्राम्सी क्या माना कि आधार यह निर्धारित करेगा कि चेतना का स्वरूप कैसा होगा। तो कहीं ना कहीं दोनों बातें एक ही हैं, मात्र शब्दों का जाल है जो घुमा के लोगों को समझाया गया है और बताया है। ग्राम्सी ने उसको नए तरीके से लॉन्च कर दिया, उसी मार्क्सवाद उसी साम्यवाद को जो मार्क्स ने पुराने तरीके से किया था। अच्छा, ग्राम्सी कि आधार व संरचना के संबंध को राज्य के सापेक्ष स्वायत्तता का सिद्धांत के रूप में मान सकते हैं या माना जाता है, और राज्य के सापेक्ष स्वायत्तता का सिद्धांत, ये वर्ड याद रखिएगा फ्रेंड, एग्जाम के दृष्टिकोण से बड़ा महत्वपूर्ण है, माना। और इसमें ग्राम्सी ने समाज व इतिहास की भौतिक और वैज्ञानिक विश्लेषण के बजाय चेतना को अधिक महत्व दिया, ग्राम्सी साहब ने चेतना को अधिक महत्व दिया, और इसी के इटली के प्रसिद्ध दार्शनिक क्रोचे से ये प्रभावित भी थे ग्राम्सी महोदय, और उनके उन्हें समाज को समझने के लिए मानवीय संबंध ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं उनका मानना था, जबकि मार्क्स मैटर की बात करता है और ये व्यक्ति की बात करता है। ग्राम्सी ने राज्य की व्याख्या केवल आर्थिक कारक के आधार पर समझना इसका विरोध किया, मतलब उसको पर्याप्त नहीं माना, उसके लिए सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक तीनों कारक महत्वपूर्ण हैं, जबकि मार्क्स सिर्फ और सिर्फ आर्थिक कारण पर बात करता था। आगे ग्राम्सी की क्रांति की संकल्पना थी जो स्थितियों का युद्ध पे विचार दिया, और उन्होंने 1909 से 1919 से 1920 के मध्य जो है कारखाने परिषद का जो विचार आया, जो औद्योगिक क्रांति आई उस पर महत्वपूर्ण बल दिया, और फैक्ट्री परिषद ट्रेड यूनियनों को बिल्कुल जो है समानता का अधिकार दिया कि दोनों समान हैं, और इसी विशेषता में उन्होंने कारखाना के सभी श्रमिकों को
प्रतिनिधि निर्वाचित होने की बात कही, मतलब कहीं कहीं ये ट्रेड यूनियन की बात कही। परिषदों का कार्य शिक्षात्मक भी बताया कि वो अपने लोगों को प्रशिक्षित करें और फैक्ट्री परिषद के मजदूरों को प्रशिक्षण देकर कारखानों का नियंत्रण का ढंग बताएं, जो लेबर का जो है अपर पोजीशन में ले जाना, मतलब लेबर का जो ट्रांसफ़र मैनेजमेंट कमेटी में करने की ये बात करता है, जिससे लेबरों का शोषण कम हो। जबकि मार्क्स क्या कहता है, लेबर को डायरेक्ट जो है राज्य पे नियंत्रण स्थापित करता है क्रांति के माध्यम से, जबकि ग्राम्सी ऐसा नहीं, उनको प्रशिक्षित करके ट्रेड यूनियनों के माध्यम से और ऊपर ले जाने की बात करता है। और इसका परिणाम भी अच्छा मिला और कुछ परिषदों का, ट्रेड यूनियनों का फ्यूचर में चल के जो है स्थापना हुई। तो ये ग्राम्सी का कहीं ना कहीं एक प्रयास था, इसी प्रयास की वजह से ऐसा हो पाया। जब आगे हम बात करेंगे कि साम्यवादी क्रांति के लिए नागरिक समाज ज़्यादा महत्वपूर्ण, जो सहमति मूलक संरचना है, और नागरिक समाज बुद्धिजीवियों द्वारा स्थितियों के युद्ध द्वारा निमंत्रण होगा, जिसका अभिप्राय की अगर हम बात करेंगे, जैसा कि ग्राम्सी मानता है, तो वो चार ये 7-8 तरह के अभिप्राय निकल के आपके सामने आएंगे, जिसमें पहला है कि परिस्थितियों के अनुसार रणनीतिक परिवर्तन करना और छिपकर संघर्ष करना। दूसरा, स्थितियों का युद्ध लोगों की सहमति के द्वारा किया जाना चाहिए, मतलब विचार विमर्श हो फाइनली कि कैसे करना है, क्या करना है। फिर स्थितियों का जो युद्ध वैचारिक युद्ध है, जिसके द्वारा नागरिक समाज पर नियंत्रण किया जाता है, तो मानसिक रूप से लोगों को तैयार किया जाए कि एक दूसरे में विरोधाभास न हो। अच्छा, पूंजीपति देशों में स्थितियों का युद्ध बेहतर विकल्प है, क्योंकि राज्य और समाज की मत अंतर स्पष्ट है और राज्यों में राज्य शक्तिशाली है, उनके विरुद्ध सीधा संघर्ष करना अव्यवहारिक होगा। क्योंकि जब आप सीधा संघर्ष करेंगे तो राज्य कहीं ना कहीं आपको दबा देगा, आपको कुचल देगा और आपका संघर्ष असफल हो जाएगा। तो इसलिए उन्होंने सीधे संघर्ष की बात नहीं कही। और इसी संबंध में रूसी क्रांति को गृह युद्ध का उदाहरण दिया कि जो भी रूसी क्रांति के संघर्ष रहे वो हर स्तर पे छोटे छोटे स्तरों पे रहे, तो ये जो है उसको गृह युद्ध की संज्ञा देते हैं। एक सवाल बनता है कि ग्राम्सी जो है रूसी क्रांति को गृह युद्ध की संज्ञा देते हैं, तो एक इकलौते विचारक थे जो इन्होंने रूसी क्रांति को गृह युद्ध कहा। आगे जो क्रांति का ये और तरीका बताते हैं कि आमने सामने की लड़ाई, तो वहाँ वो हो, वहाँ वैसी लड़ाई हो जहाँ दोनों सक्षम हों। राज्य व सरकार पर नियंत्रण स्थापित करने ना, ये भी एक तरीका है। रूस में यह सफल हुआ क्योंकि वह राज्य के नागरिक समाज के मध्य का विभाजन स्पष्ट नहीं था, अर्थात जो डाइवर्जन की स्थिति थी वो दोनों तरफ थी। व्यक्ति जिधर पलरा भारी देखेगा, जिधर व्यक्तित्व भारी देखेगा, जिधर नेतृत्व भारी देखेगा, तो आम जनता दोनों तरफ डाइवर्ट हो सकती थी। तो इसलिए जो डाइवर्जन की स्थिति थी उसके वजह से जो है रूसी क्रांति जो है सफल हुई। इसकी आलोचना भी की गई ग्राम्सी के इस विचार की, और जोसेफ फेमिया ने इसकी आलोचना की और कहा कि ग्राम्सी के सिद्धांत में शक्ति के वितरण तथा मूल्यों की वैधानिकता के मध्य जो है अस्पष्ट संबंध का अभाव है, वो स्पष्टीकरण नहीं करता है, ऐसा मानना रहा। और कहा कि विभिन्नताओं के दृष्टिकोण में आपसी सहमत का निर्माण किया जा सकता है, ये भी एक औचित्यपूर्ण बात नहीं लगी। और ग्राम्सी ने सामाजिक स्तरीकरण को अपरिहार्य व सभी के लिए लाभप्रद माना, जबकि पश्चिमी समाजों का ये त्रुटिपूर्ण मूल्यांकन है। खैर, ये सोफिया ने किया। तो हम अगर इसके निष्कर्ष की बात करते हैं तो ग्रामीण के जो विचार हैं, प्रिजन नोट्स बुक या प्रिजन डायरी, और मैं आपको बताता चलूँ कि शिक्षा JPN का आप लोगों ने नाम सुना होगा। JPN में जेल में एक अपनी बुक लिखी थी जिसको प्रिजन डायरी के नाम से जाना जाता है, तो वो भी किताब है। तो कहीं कन्फ्यूज नहीं हो, ग्राम्सी ने जो लिखा है प्रिजन नोटबुक और JPN ने प्रिजन डायरी लिखा है। तो दो तरह की किताबें हैं जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, तो उसको आप देख लीजिएगा। तो जो प्रिजन नोटबुक वाली, जिसमें अनेक विचार परस्पर अव्यवस्थित या बिखरे हुए प्रतीत होते हैं, क्योंकि ग्राम्सी ने कभी बैठ के कोई लेखन नहीं किया, जो उसके लेखन थे वो अव्यवहारिक रूप से होते गए और बाद में उसको स्पष्ट किया गया। और इसी के संबंध में लैटिन अमेरिका के प्रसिद्ध क्रांतिकारक एक रहे आर्नेस्टो चे गुवारा ने कहा कि पूरे विश्व में साम्यवादी व्यवस्था या साम्यवादी क्रांति के लिए सोवियत संघ का मॉडल जो है वो पर्याप्त नहीं है, अर्थात अपर्याप्त है। अलग अलग देश की जो परिस्थितियाँ हैं वो अलग अलग हैं,
और कहाँ जो है साम्यवादी मॉडल सूट करेगा और कहाँ नहीं करेगा, ये उस देश की परिस्थिति पे निर्भर करता है। आगे मार्क्स का आधार या संरचना क्या थी उसका विश्लेषण करते हैं ग्राम्सी के अनुसार। तो मार्क्स ने जो अपना संरचना का आधार मॉडल दिया उसमें था कि आधार और संरचना का सिद्धांत मूल रूप से मार्क्स के विचार में पाया गया पहली बार, और कालांतर में ग्राम्सी ने उसका बड़ा अच्छा विश्लेषण किया। मार्क्स के अनुसार आधार का अभिप्राय अर्थव्यवस्था से था जो उत्पादन के साधनों पर बल देता था और उत्पादन को सर्वश्रेष्ठ मानता था। राज्य के स्वरूप तथा उसकी प्रकृति का निर्धारण अर्थव्यवस्था द्वारा सुनिश्चित करता था और मार्क्स ने राज्य को एक वर्ग संस्था शोषण यंत्र पूंजीपति की कार्यकारिणी तक कहा, जबकि ग्राम्सी ऐसा नहीं है। ग्राम्सी ने राज्य को शोषण का साधन नहीं माना। और आगे फिर कहता है कि मार्क्स ने सदैव आर्थिक रूप से प्रभुत्वशाली वर्ग के नियंत्रण के विरोध की बात कही और जो है सर्वहारा वर्ग और बुर्जुआ वर्ग की बात कही, जबकि आर्थिक निर्धारण इस तरह करना उचित नहीं है क्योंकि राज्य एक परजीवी संस्था है जिसका मूल आधार अर्थव्यवस्था, ऐसा मार्क्स का मानना था, और इसीलिए पूंजीवाद राज्य का बने रहना मार्क्स के अनुसार शक्ति पर आधारित है। और मार्क्स ने अध्ययन को मूलतः प्राथमिकता को आधार को प्राथमिकता दी। मार्क्स ने अपने अध्ययन में आधार को प्राथमिकता दी जबकि ग्राम्सी ने ऐसा नहीं किया। तो ग्राम्सी का क्या आधार संरचना पे विचार है इसका विश्लेषण करेंगे तो ये चीज़ें और समझ में आ जाएंगी। ये तो मार्क्स ने अपनी बात कही। ग्राम्सी ने क्या कहा कि ग्राम्स ने मार्क्स से पहली जो भिन्नता थी वो रही कि विश्लेषण का केंद्र संरचना को बनाया। उसने किसको बनाया था? आधार को। ये बनाया संरचना को। ग्राम्सी दो स्तरों पर विभाजित कर दिया, संरचना को एक स्तर पर माना था और दूसरे स्तर पर जो है व्यवस्था को माना। ग्राम्सी ने पहला स्तर जो माना वो राज्य का सरकार पुलिस या न्यायपालिका है, ये बाध्यकारी रूप से कार्य करते हैं ऐसा माना था। जो दूसरा स्तर माना उस स्तर में सभ्य समाज को स्थान दिया कि समाज का जो बुद्धिजीवी वर्ग है वो समाज का जो निर्माण करता है, जिससे ट्रेड यूनियनें बनती हैं, जिससे लोगों का संगठन बनता है, उसका एक रूप माना है। और ग्राम्सी का विचार अत्यंत मौलिक रूप से आमने सामने आता है, वो बड़े सुसज्जित ढंग से उसको व्यक्त किया। और शासन प्रणाली या व्यवस्था केवल शक्ति पर आधारित नहीं हो सकते ऐसा ग्राम्सी का मानना है। जबकि मार्क्स कहता था कि इसका निर्धारण सिर्फ शक्ति का, उन्होंने ऐतिहासिक संगठनों की संज्ञा दी राज्य और समाज को, और चर्च के द्वारा जो ट्रेड यूनियन, विश्वविद्यालय के द्वारा जो सामाजिक पूंजीवादी मूल्यों को वैधता प्रदान कर दी गई, तो समाज के अन्य समूहों का समर्थन भी इसने प्राप्त किया। अच्छा, ग्राम्सी के अनुसार क्रांति का आशय पहले सभ्य समाज पर आधिपत्य से है। ग्राम्सी नेतृत्व से लेता है न कि प्रभुत्व से। साम्यवादी दल जो है समाज का सर्वहारा वर्ग का अधिपत्य स्थापित करेगा एवं उसके अधिपत्य का आशय सांस्कृतिक आधिपत्य से है, आर्थिक आधिपत्य से नहीं है। जबकि मार्क्स का आशय आर्थिक आधिपत्य से था और ग्राम्सी ने इसी आधार पर संरचना के विश्लेषण द्वारा राज्य के सापेक्ष स्वायत्त सिद्धांत विकसित कर दिया। तो ये रहा मार्क्स और ग्राम्सी का अंतर। और राज्य के सापेक्ष सिद्धांत की जो हम बार बार बात कर रहे हैं, तो राज्य का सापेक्ष स्वायत्तता का जो सिद्धांत है वो क्या है वो जान लें। उसकी जो है कुछ विशेषताएँ हैं और उसी विशेषता के आधार पर आप जो है समझ पाएंगे कि वो क्या है। तो पहला ये है कि सापेक्ष स्वायत्तता का आशय है राज्य केवल आर्थिक कारकों पर निर्भर संस्था नहीं है, सभी कारकों पर है। दूसरा, उनके अनुसार अन्य कारक का आशय सभ्य समाज की सहमति से है, ऐसा नहीं कि राज्य जो है आतंकवादी संगठन जैसे जो समझ में आएगा वो करेगा, जबकि इस PDF में भी है और इसको आप इस PDF से एक बार देख भी सकते हैं। और पूंजीवाद राज्य का बने रहना केवल उसके आर्थिक वर्चस्व का परिणाम नहीं हो सकता, उसके सामाजिक सहमति का भी परिणाम है। तीसरी बात कहता, आर्थिक कारक राज्य को प्रभावित करते हैं तो राजनैतिक कारक भी आर्थिक गतिविधियों को कम प्रभावित नहीं करते, अर्थात दोनों परस्पर एक दूसरे पर निर्भरता पाई जाती है। ग्राम्सी ने वर्ष 1977 की अक्टूबर क्रांति का निर्णय रूप में साम्यवादी इतिहास में एक प्रशंसनीय घटना बताया।
और इस बात पे जोर दिया कि क्रांति की जो रणनीति थी सोवियत संघ में प्रयोग की गई उसे अन्य पूंजीवादी देशों में प्रयोग नहीं किया जा सकता, क्योंकि अलग अलग देशों की सामाजिक परिस्थितियाँ अलग अलग हैं। और इसी संकल्पना को ग्राम्सी ने गतिशील युद्ध की स्थितियों के मध्य युद्ध की संज्ञा दी। गतिशील युद्ध व स्थितियों के मध्य युग की युद्ध की संज्ञा दी है, ये आप वर्ड याद रखिएगा। अच्छा, गतिशील युद्ध का आशय क्या है कि सोवियत संघ में क्रांति हुई जहां सर्वहारा वर्ग ने राजनैतिक और आर्थिक शक्ति पर नियंत्रण स्थापित किया, लेकिन विकसित पूंजीवादी देशों में ग्राम्सी की स्थितियों के मध्य की युद्ध के मध्य युद्ध की संकल्पना दी जाए, जिसका अभिप्राय सर्वहारा वर्ग से पहले सभ्य समाज पर अपना आधिपत्य स्थापित करेगा या बनाएगा, उसके पश्चात स्वाभाविक रूप से राज्य का नियंत्रण हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये युद्ध मानसिक युद्ध है, ये युद्ध मानसिक युद्ध है। अब ग्राम्सी ने जो आधिपत्य की संकल्पना दी उसमें भी इन्होंने जो है छह तरह की संकल्पना दी है कि आधिपत्य कहाँ है, कैसे है। तो ग्राम्सी के अनुसार आधिपत्य का आशय क्या है, नेतृत्व से है, डिक्टेटरशिप से नहीं है, लीडरशिप से है। और ये लीडरशिप आम नागरिकों की सहमत से होगी, जो अगर आम नागरिक की सहमत नहीं है तो आपकी लीडरशिप नहीं हो पाएगी। और इन्होंने इसका अर्थ जो है प्रभुत्व के रूप में देखा है। दूसरा, ग्राम्सी पूंजीवाद समाज का विश्लेषण करते हुए उसके स्वरूप व प्रभाव को स्पष्ट करने में आधिपत्य की संकल्पना का प्रयोग किया है, न कि डिक्टेटरशिप की संकल्पना का प्रयोग किया है। तीसरे में कहा कि राज्य के सशक्त होने का कारण केवल आर्थिक रूप से प्रभावशाली होना न है, न ही पूंजीवादी राज्य केवल शक्ति के प्रयोग के द्वारा बना है। इनके कहने का अभिप्राय कि सारे ट्रेड यूनियनों का, लोगों का, बुद्धिजीवियों का जो संगठन है वो राज्य है, और उस राज्य पे सारे लोगों ने मिलकर नियंत्रण स्थापित किया है और पूरे समाज पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया इस राज्य ने। तो कहीं ना कहीं राज्य में हर व्यक्ति का रोल है। अच्छा, ग्राम्सी आधिपत्य का आशय सांस्कृतिक आधिपत्य से है, कानूनी आधिपत्य से नहीं है। जैसे आप किसी को अपना फैन बना लेते हैं तो वो आपका दिमाग का या आपके तरीके का या आपके एक्सप्रेशन का माध्यम है, न कि वो आपको ज़बरदस्ती आके कहता है कि आप उसके फैन हो जाइए। तो इसकी बात ग्राम्सी कहता है। अब आधिपत्य क्यों होना चाहिए, अगर इस मुद्दे पे बात करें कि आधिपत्य होना क्यों चाहिए, तो ग्राम्सी फिर बताता है कि आधिपत्य का केंद्र क्या है। तो वो नागरिक समाज को आधिपत्य का केंद्र मानता है, कि आधिपत्य का केंद्र जो होगा वो नागरिक समाज होगा, अर्थव्यवस्था या राज्य नहीं होगा, जबकि मार्क्स ने अर्थव्यवस्था को माना है। दूसरा, ये फिर कहता है कि ये पूंजीवादी देश जो हैं या पूंजीवादी समाज जो हैं, पूंजीवादी देश या पूंजीवादी समाज जो हैं, ये इनका मूल उद्देश्य साम्यवाद की प्राप्ति तथा पूंजीवादी आधिपत्य का समाज में विनाश करना है। इसलिए ग्राम्सी ने समाज पर आधिपत्य को स्थितियों का युद्ध कहा है, आधिपत्य को स्थितियों का युद्ध कहा है। अच्छा, आधिपत्य किसके द्वारा हो, तो इस पे ग्राम्सी ने आधिपत्य को बुद्धिजीवियों के द्वारा किया जाएगा ये माना है। और ये बुद्धिजीवी दो प्रकार के होंगे, एक परंपरागत बुद्धिजीवी या दूसरा ऑर्गेनिक, इन द सेंस कि जो कोई न कोई तरीके से अपना समाज में योगदान देके और बुद्धिजीवी वर्ग की श्रेणी में आते हैं। तो ये दो तरह के बुद्धिजीवी की बात करा है। संगठित बुद्धिजीवियों को ग्राम्सी का अभिप्राय है कि ये वर्ग के लोग होते हैं जिनका उद्देश्य समाज में परिवर्तन लाना होता है, तो ये समाज को परिवर्तन करने के लिए एकत्रित होते हैं। और ग्राम्सी ने इटली के साम्यवादी दलों को संगठित बुद्धिजीवियों के एक रूप के संगठित बुद्धिजीवी के एक रूप में स्वीकार किया है। आगे ग्राम्सी ने आधार और अधिरचना के बारे में मार्क्स का जो विचार था उस पर जो है हम चर्चा करना है, प्रासंगिक समझेंगे, क्योंकि आधार और संरचना में क्या मार्क्स का विचार रहा, क्यों क्या जो है ग्राम्सी का विचार है, क्योंकि दोनों साम्यवादी रहे। तो मार्क्स ने जो आधार और संरचना सिद्धांत किया है उसका आर्थिक निर्धारणवाद भी कहा जाता है मार्क्स वाले को, क्योंकि मार्क्स ने सब कुछ आर्थिक आधार पर किया है। और इसी को और स्पष्ट करते हुए कहते हैं, एंगल ने स्पष्ट किया और उसने कहा, एंजल्स जो मार्क्स का सहयोगी था, कि मार्क्स का यह अभिप्राय नहीं था
कि आर्थिक व्यवस्था या अर्थव्यवस्था एकमात्र कारक होती है जो राज्य को नियंत्रित एवं निर्धारित करती है। ये कहीं ना कहीं एंजल्स ने मार्क्स का बचाव किया है। फिर आगे एंजल्स कहते हैं कि मार्क्स का जो आर्थिक निर्धारणवाद का आशय है, आर्थिक तत्वों को प्राथमिकता है। जैसे उदाहरण के लिए उन्होंने नियतकारी शब्द, प्रभावकारी, दो शब्द का भी प्रयोग किया है, नियतकारी, प्रभावकारी। तो ये शब्द ध्यान रहे, ये एंजल्स द्वारा प्रयोग किया गया है, नियतकारी और प्रभावकारी। तो एंजल्स के अनुसार आर्थिक कारक नियतकारी होते हैं लेकिन सदैव प्रभुत्व की भूमिका में नहीं होते हैं। ये मार्क्स के बचाव करने में ये वर्ड इन्होंने यूज किया। ग्राम्सी क्या कहता है? ग्राम्सी भी अपने आधार और संरचना के सिद्धांत के विश्लेषण में राज्य को सापेक्ष स्वायत्तता का सिद्धांत दिया और राज्य को पूर्ण रूप से आर्थिक कारकों पर ही निर्भर नहीं बल्कि राज्य भी आर्थिक कारकों से प्रभावित होता है ऐसा माना है। और उसका ये भी मानना है कि अर्थव्यवस्था राज्य को प्रभावित करती है और राज्य अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर सकता करता है। तो दोनों एक दूसरे पे कहीं न कहीं निर्भर हैं और राज्य और अर्थव्यवस्था दोनों, बिना दोनों के किसी एक को बैलेंस की स्थिति नहीं बनती। तो ये ग्राम्सी और जो है मार्क्स में जो डिफरेंट है वो यही है कि यहाँ आत्मनिर्भरता की बात कही गई है ग्राम्सी में, जबकि मार्क्स में सिर्फ आर्थिक तत्व की बात कही गई है। इसकी आलोचना भी आलोचकारों ने की और आलोचकारों ने बताया कि ग्राम्सी जो है के अनुसार विकसित पूंजीवादी देशों में क्रांति सभ्य समाज के माध्यम से होगी, लेकिन यदि जर्मनी का उदाहरण देखा जाए तो इस संकलन को हमेशा संदेह रहेगा। पहली जो है आलोचना हुई, दूसरे में इटली के विश्लेषण में भी ग्राम्सी स्पष्ट नहीं है क्योंकि वह क्रांति के सिद्धांत विकसित पूंजीवादी देशों के लिए होते हैं, लेकिन इटली के संदर्भ में यह भी स्वीकार करते हैं कि इटली की क्रांति पूंजीवाद के अल्प विकास के बावजूद होगी। तो चूंकि भाई इटली की स्थिति अच्छी नहीं रही उन दिनों और हर व्यक्ति, हर विचारक अपने युग में जिस तरह के दर्शन को देखता है, जिस तरह की परिस्थितियों में पैदा होता है, उसकी छाप कहीं न कहीं उसके विचारों पे देखने को मिलती है, तो उसको ग्राम्सी पे भी मिली है। अच्छा, जिस प्रकार इटली में फासीवाद व्यवस्था का आधिपत्य हुआ उसमें यह भी संदेह होता है कि साम्यवादी क्रांति वास्तविक रूप में समाज में परिवर्तन के द्वारा संभव है क्योंकि सामाजिक परिवर्तन एक दीर्घकालिक प्रक्रिया होगी। इस तरह भी कहके कुछ विचारकों ने ग्राम्सी की आलोचना की। अगर हम निष्कर्ष की बात करें फ्रेंड, तो वस्तुतः ग्राम्सी की रचना जो है वो प्रिजन नोटबुक व्यवस्थित रूप से नहीं लिखी गई थी बल्कि जेल से प्राप्त उसके कुछ लिखित अंशों द्वारा इसके बाद और व्यवस्थित किए गए। तो इसके विचार कई स्थानों पर स्पष्ट तरीके से मिल जाते हैं। तो इसके विचारों में कहीं ना कहीं अस्पष्टता का थोड़ा सा अभाव मिलता है और उसके पीछे का जो कारण था वो सिर्फ यही था कि इसके जेल के दरमियान भी इसने जो है ढेर सारी नोटबुक पेपर के पन्नों पे या जो भी छोटे छोटे कागज़ के टुकड़े मिले उस पर लिखा, तो क्रमवाई नहीं लिखा पाया। तो वो अस्पष्टता इसके दर्शन में देखने को कहीं ना कहीं मिलती। लेकिन कुल मिला के अगर बात करें तो ग्राम्सी साम्यवादी विचारक रहा, इटली का रहा, और इसने साम्यवाद को काफ़ी करीब से देखा, फासीवाद को काफ़ी करीब से देखा, रूस की क्रांति को काफ़ी करीब से देखा। तो जिसने अपना दर्शन दिया उस दर्शन में साम्यवाद को नए तरीके से स्थापित करने का प्रयास किया और कहीं न कहीं क्रमिक परिवर्तन से जहाँ जैसी परिस्थिति हो, गृह युद्ध से, क्रांति से, हर तरह से समाज में एक अस्थायित्व लाने का प्रयास भी अपना विचार दिया और बल दिया। इसी के साथ ये ग्राम्सी हम का टॉपिक समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।